सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद ही बनाना है। जी हाँ बिल्कुल, आप कुछ ही घंटे के अंदर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठने जा रहे हैं, आप एग्जाम देंगे 100 मार्क्स हिंदी का, सबसे फर्स्ट एग्जाम आपका होने जा रहा है। तो आप अपने आप में पैसेंस बनाए रखें, अपने आप में धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपने जो तैयारी की है पूरा 100% तैयारी की है और पूरा ईमानदारी के साथ आपने पढ़ाई किया है पूरा साल, ठीक है। तो जो ईमानदारी के साथ इस ब्रह्मांड में काम करता है ना, तो ऊपर वाले भी उनके साथ होता है। इसलिए आप लोग तैयारी बिल्कुल जबरदस्त है और बिहार बोर्ड वाले के लिए तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपको डबल चांस दिए जाते हैं। अब डबल चांस कैसे, तो मैं आप लोगों को बताता हूं, हर वीडियो में आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ते हैं। और जितना आपका प्रैक्टिस है जितना आप पढ़े हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा, आपका 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि आप लोगों का मैं परफॉर्मेंस हर दिन देखता हूं, आप लोगों का कमेंट्स देखता हूं, आप लोगों की पढ़ाई देखता हूं, आप लोगों की मेहनत को देखता हूं, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से एक तरह से एग्जाम देंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात रही तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको डबल चांस दिया जाता है, ठीक है, ट्वाइस चांस दिया जाता है। तो यानी वहां देता है ना कि अथवा या मैं दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, तो वहां भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप एग्जाम हॉल में बैठने जा रहे हैं, आप मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है और आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम में प्रदर्शन करेंगे मेरा उम्मीद है, और आप लोग अच्छी तरह से बेटर अपने रिजल्ट को चमकाएंगे और अपने मां बाप का नाम रोशन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको सीधे परीक्षा में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि भगत सिंह किसे घनिष्ठ तथा कायरतापूर्ण मानते थे, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, देश की सेवा, देश से भागना, फिर आत्महत्या, फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्महत्या, यानी आत्महत्या को भगत सिंह क्या मानते थे, घनिष्ठ और कायरतापूर्ण मानते थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, आपको अलंकार पूछा गया। तो यहां जो अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, क्या हो जाएगा इसमें अनुप्रास अलंकार पाया जाएगा मैं उषा की ज्योति में, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये सभी आपका चुनिंदा क्वेश्चन है, मतलब एक तरह से सेलेक्ट किया गया क्वेश्चन है। अब देखिए प्रेम शब्द का विशेषण आपको पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था कि प्रेम शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वो जाएगा प्रेमी, क्या हो जाएगा प्रेमी, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, मैदान शब्द का विशेषण बताइए, ठीक है। मैदान शब्द का आपको क्या पूछा गया, विशेषण पूछा गया, 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका मैदानी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि चातकों किसके लिए तरसती है, ये जो तरसती है स्वाति नक्षत्र की पहली बंद के लिए, यानी स्वाति नक्षत्र की जो पहली बंद है उसके लिए चातक क्या होते हैं, तरसते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, वीडियो को जो लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एबल जमकर के शेयर कर देंगे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने इस भाषा में काव्य रचना की है, तो वो जो की है बड़ी बाली भाषा में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7th में पूछा गया कि परीक्षा का संधि विच्छेद करें, यानी परीक्षा का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, तो परी जो इच्छा बराबर क्या हो जाएगा परीक्षा, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए जब ये मिलता है ह्रस्व इकार री और ई मिलता है, यानी दीर्घ ई मिलता है, ठीक है, तो यह क्या हो जाता है दीर्घ ई बन जाता है। जैसे आपका देखिए यहाँ आपको नियम बताया गया है कि ई और मतलब एक तरह से हर से ई मिलने से क्या होता है, ये सारा चीज आपको बताया गया, ठीक है। तो यहाँ जो परीक्षा का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो जाएगा परी जो इच्छा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर, विद्यालय का संधि विच्छेद करें, तो विद्यालय का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो जाएगा विद्यालय बराबर क्या हो जाएगा विद्यालय, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे काफी कम समय में, ठीक है। इनमें से कौन सी पुस्तक परसाई जी की है, तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा इराना, ये जो पुस्तक है ये किसकी है, प्रसाद जी की है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है, जयशंकर प्रसाद की जो कृति है ये आपका कृति इरावती जो है ये क्या है अपूर्ण है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 11th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि विभीषिका हम लोग लिखते हैं विभीषिका बोलते हैं, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से जो विभीषिका यानी सही वर्ड सही में जो लिखा जाता है जो सही लिखा गया है तो आपको बताना है। तो यहां जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका विभीषिका, ये जो है ये वर्ड सही लिखा गया है विभीषिका, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। न्यायाधीश कैसे लिखते हैं, न्यायाधीश यानी जज जो लिखते हैं ये कैसे लिखा जाता है हिंदी में, तो न्यायाधीश आपका जो सही लिखा गया वो लिखा गया ऑप्शन ए में, यानी न्यायाधीश आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। यहां तो आपका गलती किया गया, ठीक है, बाकी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 13th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तो वो जो राज्य थे वो मध्य प्रदेश, कहां के मध्य प्रदेश के, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था,
बारहवीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा कनॉट वंश। कौन सा वंश? कनॉट वंश, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपका 15, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया, तो वो किस चीज की खेती का विस्तार किया अंग्रेज के ठेकेदार ने, नील की खेती, किसकी खेती, नील की खेती, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, छठी का दूध याद आना, ठीक है ये आपका मुहावरा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा अत्यधिक कठिन होना, यानी क्या हो जाएगा अत्यधिक कठिन होना, यानी ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया, कह रहा है कि पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन सपने हो सुख नाही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आपको पूछा गया, तो 17 के जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पराधीनता अभिशाप है, क्या है पराधीनता जो है वो क्या है, अभिशाप है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि राजा हरि सिंह देव को गयासहीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था, वो कौन सा ईस्वी चल रहा था, कौन सा साल चल रहा था, जब उनको राजा मतलब हरि सिंह देव को गयासहीन तुगलक का सामना करना पड़ा था, तो वो जो साल चल रहा था वो 1335 ईस्वी का, 1335 ईस्वी में, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि गुलामी का नक्शा किसका रचना है, गुलामी का नक्शा किसका रचना है, तो ये जो गुलामी का नक्शा जो रचा गया है वो ठाकुर रामनाथ सिंह के द्वारा, किनके द्वारा, ठाकुर रामनाथ सिंह का ये रचना है, गुलामी का नक्शा ठाकुर रामनाथ सिंह का रचना है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 20, अंडे से जन्म लेने वाला को क्या बोलते हैं, अंडे से जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है अंडे से जो जन्म लेता है, तो यहां जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का वो जाएगा आपका अंडज, क्या हो जाएगा अंडज, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 21 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि द्वारपाल का विग्रह होगा, यानी द्वारपाल का को क्या पूछा गया, विग्रह पूछा गया, तो यहां जो द्वारपाल का जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्वार की रक्षा करने वाला, क्या हो जाएगा द्वार की रक्षा करने वाला, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 22 में पूछा गया कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था, तो उनके जो पति का नाम था वो था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, क्या था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 21 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन का। विक्रम मोती क्या है, विक्रम मोती जो है ये क्या है, उपन्यास है या फिर काव्य संकलन है, निबंध संकलन या फिर कहानी संग्रह, तो ये जो हो जाएगा विक्रम मोती जो है वो क्या है, कहानी संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ पोएम, यानी पोएम का कलेक्शन है, ठीक है आप अंग्रेजी में भी पढ़े हैं कलेक्शन के बारे में आपको पढ़ाया गया था, कौन सा संग्रह से कौन सा कविता को कौन सा पोएम को उठाया गया है कौन सा लिया गया है, ठीक है तो विक्रम मोती क्या है, कहानी संग्रह कलेक्शन ऑफ पोएम है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 24 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि रुमाल का लिंग निर्णय कीजिए, रुमाल का जो लिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो रुमाल का जो लिंग है वो पुल्लिंग है, क्या है पुल्लिंग है, ठीक है ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नौका का लिंग निर्णय, नौका का जो लिंग हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दिस, नौका का कोई लिंग नहीं होता, इस तरह से नौका का आप एक तरह से लिंग निर्णय करने के लिए कहा था, ठीक है 25 का जो करेक्ट आंसर, सॉरी ये हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा ना, स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी नौका का लिंग निर्णय ये क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 26 पूछा गया कि सरोज स्मृति किसकी रचना है, सरोज स्मृति जो है ये रचना है निराला की, किसके निराला की रचना है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फटाफट सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, सभी का आंसर को कमेंट करना बिल्कुल बहुत खूब, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल आप लोग सही कर रहे हैं, ठीक है बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। देखिए 27 में पूछा गया कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, तो वो जो मांगता है ना वो पानी मांगता है, क्या मांगता है पानी, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती, ईसाई की जो लड़कियां हैं वो बिस्नी के घर आकर जो मांगती है वो क्या मांगती है, तो वो मांगती है दाल चावल, क्या मांगती है दाल चावल, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 29 में पूछा गया चार चांद लगाना का अर्थ हो जाएगा, चार चांद लगाना एक तरह से मुहावरा है, तो इसका लगाना का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिष्ठा बढ़ाना, क्या हो जाएगा प्रतिष्ठा बढ़ाना, इज्जत बढ़ाना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। परवुन क्या पूछा गया, प्राण पखेरु उड़ना, प्राण पखेरु उड़ना का क्या मतलब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मर जाना, प्राण पखेरु उड़ना का मतलब होता है मर जाना, डेथ कर जाना, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 31 में पूछा गया कि जी चुराना का अर्थ क्या हो जाएगा, जी चुराना का मतलब होता है किसी से काम भागना, यानी किसी काम से दूर भागना, किसी काम को करने से दूर भागना, मना करना, इनकार करना, तो वहां क्या कहलाएंगे जी चुराना कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए 32 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, ये किसने कहा, तो ये जो बात कही थी ये बात किसने कही थी, ये कही थी ईसाई लड़की, कौन ईसाई लड़की जो दाल चावल मांगती है बिस्नी के घर में जाकर के, ठीक है। 33 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, तो यहाँ जो कृति दिया गया ये दरियाई घोड़ा, ये मोहन राकेश की नहीं है, बाकी ये तीनों की तीनों जो कृति है, इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, उसके बाद क्या है तीसरा आषाढ़ का दिन, आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों की कृति जो है वो राकेश की है, बाकी दरियाई घोड़ा इनके द्वारा रचा नहीं गया है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा जा चुका था कि खिल्ली उड़ाना का मुहावरा जो है, खिल्ली उड़ाना जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाता है व्यंग करना, क्या हो जाएगा व्यंग करना, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। लकीर का फकीर होने का क्या मतलब हो जाएगा, लकीर का फकीर होने का मतलब जो होता है वो होता है परंपरावादी होना, क्या होना परंपरावादी होना, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सुकून की तलाश क्या है, सुकून की तलाश क्या है, उपन्यास कहानी गजलें या फिर इनमें से कोई नहीं, तो सुकून की तलाश जो है वो एक गजल है, क्या है गजलें हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, यहीं से आपको क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, आपको बाहर से क्वेश्चन से नहीं पूछे जाते, ग्रामर पर्सन यानी व्याकरण से और आपका बुक पर्सन से क्वेश्चन आते हैं,
बाहर से क्वेश्चन से नहीं पूछे जाते हैं। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, यानी प्रकृति वर्णन से जो संबंधित कविता वो उषा, ये जो कविता है यह प्रकृति का वर्णन करता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए शिखस्त यानी शिखस्त का विलोम बताइए, शिखस्त का जो विलोम हो जाएगा वो क्या होगा। तो शिखस्त का मैंने आप लोगों को बताया था इसका जो मीनिंग सबसे पहले हम लोग समझेंगे। शिखस्त का मतलब होता हार, आपका फतह का मतलब होता जीत, ठीक है, फतह का मतलब होता जीत, शिखस्त का मतलब होता हार। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 प्राचीन का विलोम बताइए, प्राचीन का आपको क्या पूछा गया, विलोम यानी एंटोनिम हम लोग पढ़े हैं अंग्रेजी में, इसका तो हो जाएगा अर्वाचीन, प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा अर्वाचीन, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 40 परछन यानी परछन्न का क्या पूछा गया, विपरीतार्थक पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परकट। परछन्न का जो एक तरह से ये हो जाएगा विपरीतार्थक हो जाएगा, विपरीतक मतलब विलोम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा परकट, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 दूसरा पुस्तक का प्रकाशन, दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है, मतलब कहने का ये कि दूसरा सप्तक जो मतलब प्रकाशित हुआ था वो कौन सा वर्ष में हुआ था, तो ये जो हुआ था ये कब हुआ था 1957 होगा, 1957 ईस्वी में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन का शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म आपको पूछा गया, तो इनका जन्म 13 जनवरी 1911 होगा, 13 जनवरी 1911 का, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन का, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा जोधपुर विश्वविद्यालय यानी जोधपुर यूनिवर्सिटी में नामवर सिंह 1970 में एक तरह से अध्यक्ष यानी हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में पद पर प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि पथिक का क्या पूछा गया कि पथिक का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, पथिक का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, यहां को चूज करना है रागीर बटोही या फिर बटाहा बटाऊ या फिर वायस, तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा वायस, ये जो है एक तरह से पथिक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि जीव का पर्यायवाची है, यानी जीव का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो आपको पूछा गया, ठीक है, तो यहाँ जो उपयुक्त तीनों के तीनों जो है वो क्या है, जीव का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त तीनों। अब देखिए क्वेश्चन 46 में पूछा गया कि कौवा का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द काफी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, पर्यायवाची शब्द बहुत बार पूछे जाते हैं आपको, 5 मार्क्स का जो पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, ठीक है, काग यानी कौवा का जो पर्यायवाची शब्द है वो काग हो जाएंगे, एक तरह से काग भी हो जाएंगे, एक तरह से पर्यायवाची शब्द उपयुक्त तीनों यानी वायस, ठीक है, आपको पूछा गया, तो इसका जो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए काग नहीं होगा, ठीक है, काग ही होगा, काग और वायस नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 47 में पूछा गया कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, ये दिनकर जी की रचना है, नामवर सिंह की या फिर उदय प्रकाश की या फिर बालकृष्ण भट्ट की, तो 47 का जो राइटर हो जाएगा वो जाएगा नामवर सिंह, ये जो रचना है दूसरी परंपरा की खोज ये नामवर सिंह की है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 48 पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं, प्रलय की छाया के जो कवि हैं वो आपको बताया गया है, तो यहां जो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ये जो क्या है आपका प्रलय की छाया के कवि है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 49 पूछा गया कि तुलसीदास की रचयिता कौन है, तुलसीदास के जो रचयिता है ये आपको राइट आंसर चूज करना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है तुलसीदास की रचयिता है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 50 में पूछा गया कि एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है, ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका मुक्तिबोध, यानी ये जो रचना है एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है, मुक्तिबोध की, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 41 पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपका कुछ ही दिन बचा हुआ, मात्र कुछ ही दिन बचा हुआ है, आप 1 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं, फरवरी में 1 तारीख को आप एग्जाम देने वाले हैं, और आपके लिए वीडियो काफी कारगर साबित होगा, और अपने दोस्तों में भी प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, हो सके आपके वजह से उनका मार्क्स ज्यादा है, तो आपको इतनी से खुशी होनी चाहिए, दूसरों का भला करेंगे तो आप लोग का भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, यानी दूसरे का भला करने से तो भला होता है, ठीक है। देखिए जिसकी गिरेवा सुंदर हो वो एक शब्द में उसको क्या कहेंगे, तो जिसकी गिरेवा सुंदर होती है उसको कहते हैं सुग्रीव, क्या बोलते हैं, सुग्रीव बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 52 में पूछा गया जिसके 2 पद हैं एक शब्द में क्या कहेंगे उनको, जिसके 2 पद होते हैं उनको एक शब्द में बोला जाता है द्विपद, क्या हो जाएगा द्विपद, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 52 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 53 में पूछा गया कि जिसके पानी में वीणा है एक शब्द में उसको क्या बोलेंगे, तो जिसके पानी में वीणा होती है उसको बोलते हैं वीणा पानी, क्या बोलते हैं वीणा पानी, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का। मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था, तो वो जो नाम था माधव राज मुक्तिबोध, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 54 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए कौन सी रचना मुक्तिबोध की है, कौन सी जो रचना है वो मुक्तिबोध की है, तो यहां जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, ये जो रचना है ये किनके द्वारा रचे गए हैं, मुक्तिबोध के द्वारा रचे गए हैं, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यही से क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, कहीं बाहर से नहीं होते हैं, टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, अच्छी तरह से तैयारी करनी है, जब तैयारी किए हैं तो फिर टेंशन कौन चीज का, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के टोटल जो भेद आपको पढ़ाया गया है, तो आपको से जो टोटल भेद होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, कितना 6 प्रकार के, नहीं ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 57 पूछा गया कि सर्वनाम का भेद कौन नहीं है, तो 57 का जो करेक्ट हो जाएगा 56 का, आपको क्या बताया गया 57 का सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 57 में, तो सर्वनाम का भेद कौन नहीं है, यहां जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो है ये सर्वनाम का भेद नहीं है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल
करेक्ट आंसर जाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए, शिवी, हिंदू या फिर माधुरी या फिर सौहार्द। ये जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है, यानी 58 का जो सॉरी यहाँ जो हो जाएंगे ये तरह से सौहार्द, ये जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा गया यानी प्योर लिखा गया। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 59, शुद्ध शब्द बोलिए गुणी, तपति या फिर तात्कालिक या फिर प्रामाणिक, तत्कालिक। तो यहाँ जो आपको पूछा गया तो शुद्ध शब्द है, तो इनमें प्रामाणिक जो है ये बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है, कौन सी रचना जो है वो मुक्ति बोध की नहीं है। यहाँ जो बिहारी पुनर्मूल्यांकन ये जो है रचना ये मुक्ति बोध की नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सॉरी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बरला मुजफ्फरनगर, बरला मुजफ्फरनगर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भला शब्द का कौन सा विशेषण है, भला शब्द कौन सा विशेषण है, तो यहाँ जो विशेषण हो जाएंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 63 में पूछा गया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था, तो वो यूनिवर्सिटी था श्रीनगर यूनिवर्सिटी, कौन सा श्रीनगर यूनिवर्सिटी। अब देखिए सेब बेचने वाली लड़की आयु कितनी थी, जो सेब बेच रही है आपको कहानी में बताया गया है, तो उनकी जो एज थी 7 से 8 साल, कितना 7 से 8 साल उनकी एज थी, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65, गुरु उपदेश का आपको संधि विच्छेद पूछा गया, तो गुरु उपदेश का जो सही सही संधि विच्छेद हो जाता है वो ज्यादा गुरु जो उपदेश यानी गुरु का उपदेश, गुरु जो उपदेश बराबर गुरु का उपदेश यानी गुरु उपदेश बोलते हैं, ठीक है ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 65 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके बिल्कुल झकास आंसर आ रही है, किसी का आंसर गलत नहीं आ रहा, इसी तरह से आप लोग तैयारी करते हैं और बेस्ट तैयारी आप लोगों की, अच्छी तरह से आप लोगों का एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है आप लोगों का एग्जाम अच्छी तरह से अच्छा मार्क्स के साथ आप लोग प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। प्राथमिक का आपको क्या पूछा गया, संधि विच्छेद पूछा गया, तो यहां जो प्राथमिक का जो संधि विच्छेद है, प्रथम जो एक बराबर प्राथमिक, प्रथम जो एक बराबर प्राथमिक यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 66 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 67 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है, तो रघुवीर सहाय की जो यहां रचना दिया गया आपको, वे लोग भूल गए हैं, वे लोग भूल गए हैं, ये जो रचना गए हैं रघुवीर सहाय के द्वारा रचे गए हैं, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का। आपको पूछा गया अनादर शब्द कौन सा समास है, अनादर शब्द जो कौन सा समास है 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निगमास, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 68 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 69 में पूछा गया कि त्रिलोक शब्द का आपको समास पूछा गया, त्रिलोक शब्द का समास बार बार पूछा जाता है, तो इसका जो समास हो जाएगा 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए राजकुमार कौन सा समास है, राजकुमार में कौन सा समास है, यह भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, राजकुमार जो वह तत्पुरुष समास है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 71 में पूछा गया कि दाल रोटी के समास का नाम बताएं, दाल रोटी के समास का नाम बताएं, 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन था, तो ये जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका द्विंदव, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 71 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 72, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे, नई दिल्ली से निकलने वाले, तो न भारत टाइम्स, क्या हो जाएगा न्यू इंडिया टाइम्स, न भारत टाइम्स के वो क्या थे संवाददाता थे, कौन, रघुवीर सहाय जो नई दिल्ली से निकलने वाले एक अखबार था, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73, रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, तो वो जो थे वो क्या थे, ये हो जाएंगे आपका दिनमान, क्या हो जाएंगे दिनमान, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 74 में पूछा गया कि विभागीय शब्द में पढ़ते बताइए, पढ़ते मतलब बाद में आता है उपसर्ग पहले आता है, ठीक है, विभागीय शब्द में जो पढ़ते हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई है, क्या हो जाएगा विभाग जो ई है बराबर विभागीय, यानी विभाग विभाग जो ई है बराबर विभागीय, यानी आपका क्या पढ़ते हैं, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 75 पूछा गया है कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, लुटेरा में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, प्रत्यय बाद में आता लुट जोर एरा, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा लुट जोर एरा बराबर लुटेरा, ये आपका एरा जो है ये क्या हो जाएगा एक तरह से प्रत्यय हो जाएगा और लुट क्या होगा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का। चचेरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चचेरा में जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा, तो यहां जो प्रत्यय हो जाएंगे वो एरा होंगे, चचे चटा जो एरा बराबर चचेरा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था, तो वो जो पुरस्कार नहीं दिया गया था उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था, बाकी ये तीनों के तीनों जो पुरस्कार है उनको दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 78 में पूछा गया कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था, विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो छत्तीसगढ़ में, कहां छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, वो जो जन्म हुआ था विनोद कुमार शुक्ल का जन्म वो 1 जनवरी 1937 को, कब 1 जनवरी 1937 को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 79 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए लाभालाभ का विग्रह कीजिए, लाभालाभ का आपको विग्रह पूछा गया, उसका जो विग्रह हो जाएगा वो जाएगा लाभ या अलाभ, लाभालाभ बराबर लाभ
लाभा लाभ बराबर लाभ या अलाभ, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अब पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है कि आतपजीवी का विग्रह होगा, आतपजीवी का जो विग्रह हो जाएगा आतप से जीने वाला यानी धूप से जीने वाला, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का, 81 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ला की नहीं है, कौन सी कृति जो है वो विनोद कुमार शुक्ला की नहीं है, ये जो साध्य वीणा है ये विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा नहीं रचा गया है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। घुटने टेकना, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जाएगा जो क्वेश्चन था, तो ये जो हो जाएगा हार मानना, घुटने टेकने का मतलब क्या हो जाएगा, हार मानना, एक तरह से अपने आपको समर्पण कर देना कि नहीं हमसे अब नहीं होगा, हम अब जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा करने का जो मतलब होता है ये आपका मुहावरा का टाइप है, तो 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, ये आपका क्या है मुहावरा है। अब देखिए क्वेश्चन 85 अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो ये जो इसका जो मतलब हो जाएगा मूर्ख होना, अकल का अंधा होना मूर्ख होना, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 86 में पूछा गया कि खून पसीना करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, 2019 और 21 में पूछा जा चुका क्वेश्चन था, तो खून पसीना करने का मतलब हो जाता है खून पसीना एक करने का मतलब हो जाता है बहुत मेहनत करना यानी बहुत परिश्रम करना, यानी अभी आप लोग क्या कर रहे हैं खून पसीना एक कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। काट मारना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्तब्ध होना, क्या हो जाएगा स्तब्ध होना, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 87 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा नहीं रचा गया है, अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है, ठीक है, तो यहां जो काव्य संग्रह है वो जाएगा आपका गंगा तट, ये जो है अशोक वाजपेयी द्वारा नहीं रचा गया है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तत्पुरुष किसकी रचना है, तत्पुरुष जो है ये किसकी रचना है, तो ये जो रचना है ये किनकी रचना है, अशोक वाजपेयी जी की, किनकी, अशोक वाजपेयी जी की रचना है। अब देखिए पहाड़ का लिंग निर्णय कीजिए, पहाड़ का जो लिंग निर्णय कीजिए, तो इसका जो लिंग हो जाएगा जो पहाड़ जो होता है वो पुल्लिंग होता है, क्या होता है पुल्लिंग होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, धन शब्द का को लिंग निर्णय करने के लिए कह रहा, ये क्वेश्चन आपका 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर के रूप में ये क्वेश्चन यानी सेलेक्ट हुआ था बोर्ड मॉडल पेपर में, तो धन का शब्द यानी धन शब्द का को लिंग निर्णय करने के लिए कह रहा, ठीक है, तो धन शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते, क्या होते पुल्लिंग होते। अब देखिए क्वेश्चन 92 पूछा गया कि हार जीत क्या है, हार जीत एक क्या है, ठीक है, तो ये जो है ना एक प्रकार का गद्य कविता है, ये क्या है एक प्रकार का गद्य कविता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें जो वे आया वो नागरिक के लिए आया, क्या आया नागरिक के लिए, वे शब्द इस्तेमाल किया गया है, वे उत्सव मना रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, अर्थ का आपको क्या पूछा गया, अर्थ का आपको क्या पूछा गया, विलोम पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा जा चुका था, तो अर्थ का जो विलोम हो जाएगा इति, अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा इति, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, कृष्ण का विलोम बताइए, कृष्ण का जो विलोम होता है ना वो क्या होता है, 95 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, 95 नंबर आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष, तो कृष्ण का जो विलोम हो जाता है वो शुक्ल हो जाता है, क्या होता है शुक्ल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का। आपको पूछा गया कि सन से आत्मा किसकी कृति है, सन से आत्मा जो कृति है किसकी कृति है, तो यह ज्ञानेंद्र पति की कृति है, किसकी, ज्ञानेंद्र पति की यह कृति है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, दूध डूबे अंगूठे के छापे ये जो किनके हैं, दादी के या फिर माँ के, फिर बूढ़े गवाल दादा के, या फिर इनमें से किसी के नहीं, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 97 का हो जाएगा आपका बूढ़े गवाल दादा के, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अंटी मारना 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन था, तो इसका जो मतलब हो जाता है चाल चलना, क्या हो जाएगा चाल चलना, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 99 पूछा गया कि अन्न लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अन्न लगने मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है स्वस्थ रहना, क्या हो जाएगा स्वस्थ रहना, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है, तो वो जो नाटक है वो क्या हो जाएंगे, एक चक्रानगरी, ये जो है ज्ञानेंद्र पति का क्या है, एक प्रकार का काव्य नाटक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका टॉप क्वेश्चन है, यहां से आपको डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन से 1 फरवरी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन नजर आएगा, तो ये सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे। हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जमकर शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है।